वीडियो एडिटिंग एक आर्ट है जिसे अगर आप अच्छी तरह से जानते हो तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। लेकिन इसे सीखने के लिए आप कुछ सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं, जैसे प्रीमियर प्रो हो गया, जैसे डिविंची रिजॉल्व हो गया, जैसे फाइनल कट प्रो हो गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रीमियर प्रो के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रीमियर प्रो में न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। न्यू प्रोजेक्ट बनाने के बाद उस प्रोजेक्ट या उस वीडियो से रिलेटेड वीडियो जो कंप्यूटर में होती हैं उन्हें इंपोर्ट कैसे करते हैं प्रीमियर प्रो में, और उन वीडियोज को इंपोर्ट करने के बाद लाइक जैसे अभी मैं कैमरा के सामने बैठ के बोल रहा हूँ तो पता नहीं कितनी बार मैं गलती करता हूँ, कोई आ जाता है, कहीं से आवाज आ जाती है तो मुझे रुकना पड़ता है। सो ये सारी चीजें जो होती हैं इनको कट करके मेन जो बोलने वाला जो मेन पार्ट होता है उसको कैसे सिलेक्ट किया जाता है और कैसे उससे एडिट बिल्ड की जाती है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आप प्रीमियर प्रो को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो नजर आएगी जो बिल्कुल ब्लैंक हो सकती है, या इसमें ऑलरेडी जो आप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे वो शो हो जाएंगे, और इधर एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन भी शो हो जाता है। मैंने उस चीज को डिसेबल किया हुआ है। सो हम न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद न्यू और उसके बाद प्रोजेक्ट। तो ये एक टैब शो होता है आपके सामने जिसमें आपने सबसे पहले नेम डालना होता है। नेम में लाइक मैं डालूंगा बेसिक्स ट्यूटोरियल, और उसके बाद ये नीचे शो हो रहा है लोकेशन कि आप किधर इस प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हो। तो आप ब्राउज करके किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हो, आई एम गुड विद दिस, बट आप खुद एक फोल्डर बना के उसमें आप इसको सेव कर सकते हो ताकि बाद में आप इजीली इस तक रसाई हासिल कर सको। सो आफ्टर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट इट विल शो समथिंग लाइक दिस, जिसमें ये चार पैनल शो हो रहे होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। सो अभी मैं एक वीडियो पूरी एडिट करूंगा, मैंने अपने ब्लॉग एक एडिट करना है, तो उसमें आपको हर एक चीज का पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करता है, इसके बेसिक्स क्या हैं। सो लेट मी जस्ट इम्पोर्ट अ वीडियो। अभी ये इम्पोर्ट करने के लिए प्रोजेक्ट पैनल में जाकर डबल क्लिक करें या आप कंट्रोल प्लस आई भी प्रेस कर सकते हैं। आई विल सी वेयर दैट वीडियो इज। ये मैंने डेली नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसमें मैं डेली का एक ब्लॉग जो भी करता हूँ उसको इधर रख देता हूँ। सो ओपन। सो ये लिस्ट व्यू में शो हो रहा है, इसको थंबनेल में मैं शो करूंगा ताकि आपको बड़ा नजर आ जाए। सो ये वीडियो है और ये ऑडियो है। ऑडियो को मैंने अलग माइक पे रिकॉर्ड किया था और इस वीडियो में भी ऑडियो है ऑलरेडी। सो मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा। मर्ज मींस कि जो ऑडियो मैंने डिफरेंटली अच्छा क्वालिटी वाला रिकॉर्ड किया था उसको कैमरा के साथ मैंने मर्ज करना है। बाद में मैं कैमरा का जो ऑडियो है, जो गंदा ऑडियो होता है, उसको डिलीट कर दूंगा। सो आई विल शो यू दैट एज वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन सी दिस मर्ज क्लिप्स। When you do that, say okay and this is done. Now अभी ये वीडियो और ऑडियो को मैंने इकट्ठा कर लिया, अभी इसमें से जो जरूरी पार्ट है वो मैं निकालूंगा और बाकी जो मैंने सांस लिया, रुका, इधर उधर देखा, स्क्रिप्ट देखा या कोई बंदे की आवाज आ गई, वो सारी चीजें काटूंगा। सो वो सारी चीजें काटने के लिए मुझे जाना पड़ेगा सोर्स पैनल में। Now I'll do that. So इसको लेफ्ट क्लिक करके ग्रैब करें, ये सोर्स ऊपर आपको नजर आ रहा है, सोर्स पैनल के अंदर आके छोड़ दें। सो ये वीडियो अभी इधर आ गया विद बोथ ऑडियोज, कैमरा का ऑडियो और दूसरा ऑडियो दोनों के साथ ये वीडियो है। ये देखिए मैं पहले सेटिंग कर रहा होता हूँ, लाइक मैंने लाइट्स को ऑन किया, टोटल जो लाइट्स मैंने रखी हुई थी उन सबको ऑन किया। जी छोटी सी बात, अभी ये मैं बोलना शुरू हो गया, अभी मैं ये बोलना शुरू हो चुका हूँ, तो मैं इसमें वो वाला पॉइंट ढूंढूंगा जिधर मैंने प्रॉपर सही से बोला था। सो उसके लिए इस वीडियो को मैं प्रॉपरली देखूंगा, जिधर ये पॉइंट है उसमें मैंने आई प्रेस करना है। आई मीन्स इन और ओ मीन्स आउट। उन सब चीजों के कीज के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ। ये है मार्कर, लाइक अगर आप किसी जगह पे मार्क रखना चाहते हो, लाइक देख सकते हो अभी इधर हूँ तो ये मार्क हो गया। उसके बाद ये इन पॉइंट होता है, लाइक जिधर से आप वीडियो उठाना शुरू करना चाहते हो, और फिर जहाँ ये वाला पॉइंट खत्म होता है उसके लिए ये ओ पॉइंट होता है। सो ये इन और आउट, लाइक इधर आके मैं आउट कर देता हूँ, तो ये छोटा सा जो इतना सा हिस्सा है इस वीडियो में से ये ही होगा एडिट में, बाकी हिस्सा नहीं आएगा। और वो हिस्सा आएगा क्या कैसे वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। सो अभी इस वीडियो में से मेन पॉइंट जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं जिधर से ये शुरू हो रहा है उधर मैंने आई प्रेस करके इन मार्क लगाया है, और जिधर ये खत्म हो रहा है उधर मैंने ओ प्रेस करके आउट मार्क लगाया है। सो ये इन और आउट लगा के मैंने ये इतना हिस्सा सेलेक्ट कर लिया है। अभी मेन चीज देखें कि ये अगर ये जो दो शो हो रहे हैं वीडियो और ऑडियो का ऑप्शन, इस पे मैं आता हूँ कर्सर को, तो ये कह रहा है कि ड्रैग ओनली वीडियो,
मतलब आप इधर से अगर प्रेस करके ड्रैग करोगे तो सिर्फ वीडियो आएगी, और अगर इस पे प्रेस करते हो तो सिर्फ ऑडियो आएगी। आई डू एंड मैं आपको ये शो करता हूँ कि ये कैसे है। लाइक अभी इसको अगर मैं लेफ्ट क्लिक करके इधर लाता हूँ तो ये सिर्फ वीडियो आई है, इसकी ऑडियो नहीं आई। यू विल सी, आई शो यू, दिस इज ओनली वीडियो, यू गाइज कैन सी दैट मेरी आवाज नहीं आ रही। और अगर मैं सिर्फ ऑडियो को लाता हूँ, मैं कंट्रोल जी प्रेस करूंगा, अनडू हो जाएगा। उसके बाद मैं सिर्फ ऑडियो को लाता हूँ, ये अभी सिर्फ ऑडियो है। अभी ये चार ऑडियोज क्यों शो हो रहे हैं ये देखें। पहला ये कैमरे का लेफ्ट और राइट, दूसरा ये मेन माइक का लेफ्ट और राइट है। सो अभी ये आवाज सुनिएगा। ओ जी छोटी सी बात, और मैं आपको दूसरी आवाज भी अभी सुनाऊंगा, वो मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। खैर इसको मैं अनडू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो के साथ ऑडियो चाहिए, तो मैं इसमें आके इस पैनल में आके लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करूंगा तो वो पूरी वीडियो विद ऑडियो लिंक्ड आ जाएगी इधर। और अगर अभी मैं वीडियो को अगर मूव करता हूँ तो ऑडियो उसके साथ मूव हो रही है। नाउ ये जो लाइनें हैं ऊपर, लाइक वीडियो और ऑडियो के मिडल में एक दो लाइन्स होती हैं और उसके बाद ऊपर वीडियो जाती हैं और नीचे, ये लेयर्स हैं वीडियो की, लेयर्स वन, इसके ऊपर टू, थ्री, जो भी आप चीज़ें डालना चाहते हो ओवरले के लिए तो वो चीज़ें ऊपर वाली लेयर्स में आ जाती हैं, जैसे वी टू, वी थ्री, बट वी वन इज द मेन फॉर नाउ। सो अभी आप साउंड देखिएगा जी, छोटी सी बात, लोगों को अपने दिल के बहुत ज्यादा करीब ना करो। अभी इस साउंड की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दोनों साउंड मिक्स हो रहे हैं, कैमरा का साउंड अच्छा नहीं होता क्योंकि कैमरा मुझसे काफ़ी दूर पड़ा होता है, सो उसमें आवाज़ सही तरह से रिकॉर्ड नहीं होती। सो उसको मैं म्यूट करूंगा। म्यूट करने के लिए क्या है कि ये आप देखें, अगर साउंड वाला जो टैब है उसमें ये एस शो हो रहा है और एम शो हो रहा है। एस मीन्स अगर आप एस को प्रेस कर दोगे तो इस मीन इट मीन्स सोलो, मतलब ये अकेले की आवाज़ आएगी, बाकी कोई भी आवाज़ नहीं आएगी आपको। लुक, क्योंकि जो लोग दिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, सो ये सोलो को मैं नहीं रखूँगा, मैं इनका एम, दोनों का एम प्रेस कर दूंगा। एम मीन्स म्यूट, मतलब अभी ये जो आवाज़ कैमरा की है, कैमरा के माइक की आवाज़ म्यूट हो गई, अभी आवाज़ आएगी सिर्फ माइक की। लुक, माइक की आवाज़ कैसे आती है? उनके साथ एक मसला होता है। लुक, दिस इज़ द माइक, और अगर मैं इसको कैमरा के साथ हूँ तो ये ऐसे आएगी। और वो ये लुक, सो इट्स अ बिग डिस्टर्बेंस, इसलिए मैं इनको म्यूट कर देता हूँ और सिर्फ माइक की अच्छी जो ऑडियो क्वालिटी होती है उसको रखूँगा। सो ऐसा करने से आपको एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि जो मेन ऑडियो है, जो ऑडियो को म्यूट करना चाहते हो कैसे म्यूट करोगे। और भी काफ़ी तरीका है, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखें, इसके लेवल को फुल डाउन कर दें आप तो ये भी हो सकता है। अभी ये हो गया पहला पार्ट, इसके बाद एक और पार्ट है जो मैं करूँगा इस वीडियो के एंड पे है। अभी मैंने ये दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है तो उसको मैं ग्रैब करके इधर लाऊँगा। तो ये अगर आप इस पे लाओ तो कुछ चीज़ें, कभी कभी ये छोटा फील हो रहा होता है, इस पे क्लिक नहीं हो सकता प्रॉपरली, तो उसके लिए ये नीचे जूम बार है, इससे आप इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। जूम इन कैसे क्यों किया जाता है, कभी कभी आप अपनी ऑडियो को जब एडिट कर रहे होते हो तो उसमें कुछ ऐसी साउंड, लाइक आपके सांस की आवाज़ आ रही है, कौन ये, तो उसको एक खास सांस की आवाज़ को कम करने के लिए मैं आपको दिखाऊँगा। आप इस हास एरिया को कम करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप पी प्रेस करो, और इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं हम। सो ये सांस हमेशा इस तरह से कुछ शो होती है, तो इसमें आपने पी प्रेस कर लिया, और पी प्रेस करने के बाद आप पी मींस पॉइंट पेन, इधर आप कुछ पॉइंट्स लगाओगे और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आवाज़ कम होगी कैसे। सो ये जो अंदर वाले चार दो पॉइंट्स हैं, लाइक इनको डाउन अगर कर दें तो इधर से आवाज़ ये हो गया डाउन, आप देख सकते हो कि ऐसे सीधी आ रही, फिर डाउन कर दिया, मतलब इसके जो लेवल्स हैं वो डाउन कर दिए हैं इधर से, तो वो सांस की आवाज़ अभी आपको नहीं आएगी। लुक, और किस वक्त कौन सी लुक, अभी आपको सांस की आवाज़ नहीं आई। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका एक और चीज़ करके किया जा सकता है जिससे आपको एक इसके टूल का भी पता चलेगा। आई विल शो यू, बाय द वे ये पेन टूल में जाने के लिए आपको पी प्रेस करना पड़ता है, यहाँ इधर आके आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। नाउ लेट मी अनडू दिस। सो ये मैंने अनडू कर लिया है। अभी इसको एक और तरीका है, आप अगर या तो इधर रेजर टूल पे आके क्लिक कर लो, रेजर मींस इट कैन कट, और सी प्रेस, सी, मैं हमेशा सी प्रेस करता हूँ, बट आप इधर से रेजर टूल को सेलेक्ट भी कर सकते हो। सो ये इधर आके आप कट करो, फिर इधर से कट करो, देन प्रेस वी,
वी मीन्स सिलेक्शन टूल, वी हमेशा सिलेक्शन टूल के लिए इस्तेमाल होता है। सो वी प्रेस करके आप नॉर्मल जो कर्सर होता है उसको दोबारा हासिल कर सकते हो। तो अभी इन लेवल्स को अगर हम दोनों को ग्रैब करके डाउन कर देते हैं तो ये वैसे ही हो गया जैसे पहले हुआ था, बट हमने एक और इसका जो टूल था वो देख लिया कि वो कैसे काम करता है। अभी मैं आपको इनके एक एक टूल के बारे में बताऊंगा। लाइक ये आपने रेजर टूल देख लिया और ये पेन टूल आपने देख लिया। अभी सिलेक्शन टूल के बारे में आपको पता चल गया, उसके बाद है ये ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। इसको अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद जो भी क्लिप आप सेलेक्ट करोगे उसके आगे जो भी मतलब क्लिप्स होंगी अगर आप इसको मूव करेंगे तो वो भी इसी तरह मूव होती जाएंगी, और इसको अगर आप लेफ़्ट मूव करेंगे तो वो जो जितनी भी आगे क्लिप्स हैं वो लेफ़्ट मूव होती जाएंगी। सो इसका यही काम होता है कि एक क्लिप को आप सेलेक्ट करके पूरी क्लिप्स को कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये करना पड़ता है, जब आप एडिटिंग करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। और अभी मैं आपको प्रीमियर प्रो के एक बड़े ज़बरदस्त फीचर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फीचर है। वो ये है कि लाइक अगर ये दो वीडियोज़ के मिडल में कोई फासला है, लुक इधर कोई वीडियो नहीं है, तो उसे ख़त्म करने के लिए या तो आप इस वीडियो को ग्रैब करके ऐसे ला सकते हो। ऐसा करने से ये होगा कि आपको हर वीडियो को ऐसा लाने की ज़रूरत पड़ेगी जितनी भी इस वीडियो से आगे वीडियोस होंगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वीडियोस रखा करोगे जब आप प्रॉपर एडिट करोगे तो आपको ये लानी पड़ेंगी। सो आप एक और तरीका कर सकते हो, लाइक आप प्रेस कंट्रोल जी, ये ऐसे था तो आप ये कर सकते हो, इधर राइट क्लिक करो तो ये ऑप्शन शो करेगा रिपल डिलीट। आप अगर रिपल डिलीट पर क्लिक करते हो ये टोटल जितनी भी इसके बाद वीडियोस थी वो सारी को इधर ला के प्रॉपर कोई भी गैप नहीं छोड़ेगा उसको। इस तरह से रिपल डिलीट आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसको याद रखिएगा और इसको बार बार इस्तेमाल कर लीजिएगा अभी से ताकि आपको इसकी आदत पड़ जाए। उसके बाद ये रिपल एडिट टूल है। रिपल एडिट टूल ये होता है कि अगर आपने इसको सेलेक्ट किया हो और किसी वीडियो को थोड़ा कम करते हो तो उसके आगे वाली सारी वीडियोस खुद बहुत इधर आ जाएंगी, उसमें गैप नहीं रहेगा। सो इसीलिए ये यूज़ होता है। सो अभी तक आपको इन टूल्स के बारे में पता चल गई। टेक्स्ट टूल्स के टूल के बारे में मैं आपको बाद में ब्रीफली बताऊंगा क्योंकि इस पर एक प्रॉपर वीडियो बननी चाहिए। अभी ये जो चीज़ें हैं इनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्नैप टूल। अगर इसको मैं सेलेक्ट नहीं करता, अभी मैंने इसको अनसेलेक्ट कर दिया है और मैं वीडियोस को थोड़ा साइड पे लेके जाता हूँ और अगर अभी मैं वापस लाता हूँ तो ये वीडियोस उसके अंदर चली जाएंगी, कोई रुकेगी नहीं, कोई शो नहीं होएगा। लेकिन अगर ये स्नैप टूल सेलेक्टेड है तो मैं इन वीडियोस को ग्रैब करके इधर लाऊंगा तो यू कैन सी ऐसे मैग्नेट की तरह ये बिहेव करता है, इधर आके रुक जाता है और ये शो करता है कि दिस इज़ द एज। सो ये बहुत हेल्पफुल टूल है। अगर अभी कभी ऐसा ना शो हो रहा हो तो आप ये देख लिया करेंगे कि ये सिलेक्ट है या नहीं। अभी ये था टाइमलाइन पैनल, इसमें जो जो चीज़ होती है। उसके बाद ये प्रोग्राम पैनल है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका CPU या ग्राफिक कार्ड आपका कम है तो थोड़ा कोशिश किया करें कि ये जो रेजोल्यूशन है रेजोल्यूशन को थोड़ा कम कर लें, लाइक क्वार्टर पे कर लें। मेरा सिस्टम अच्छा है लेकिन आप अगर क्वार्टर पे कर लेंगे तो आपके सिस्टम पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि इसने प्रीव्यू करना होता है। यू गाइस कैन सी जगह पर जर्ब। तो ये वीडियो वो है जो प्रॉपर एडिट हो के बाद में रेंडर करने के बाद आउट आएगी। उसके बाद फिट ये होता है, इसको अगर आप जूम करना चाहते हो या वीडियो को किसी तरीके से देखना चाहते हो छोटा करके या बड़ा करके, आप इसको फिट में रख सकते हो, ये इस तरह से शो होएगा। अभी ये वीडियो मैंने निकाल लिया जो मेरे लिए ठीक है। छोटी सी बात, लोगों को अपने दिल के बहुत ज्यादा करीब ना करो। अभी इसमें मैं बैकग्राउंड म्यूजिक डालूंगा और आपको पता चलेगा कि इसमें म्यूजिक कैसे डालते हैं। सो सेम वही है, इंपोर्ट करने के लिए आपको इधर आना है, डबल क्लिक करें या फिर कंट्रोल आई प्रेस करें। सो आई विल डबल क्लिक, लेफ्ट क्लिक। हाँ, उसके बाद मुझे वो फोल्डर में जाना है जिधर मैंने उस म्यूजिक को रखा हुआ है। ये एक म्यूजिक है जो मुझे अच्छा लगता है, सांसू की माला। सो मैं इसको और एक दूसरा ये जो म्यूजिक है ये दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा और देखूंगा कि कौन सा अच्छा लगता है। सो ये मैंने इन दोनों को इंपोर्ट कर लिया। वैसे एक से ज़्यादा चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए सेम कंट्रोल प्रेस करके आप अगर सिलेक्ट करोगे तो एक से ज़्यादा चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हो। खैर अभी मैं इस साउंड को देखूंगा। अभी ये साउंड है थोड़ा लंबा 60 सेकंड्स का, तो उसके लिए इसको मैं जूम आउट करूंगा ताकि वो इधर नीचे शो हो जाए
और बाय द वे अभी इसको मैंने छोटा या बड़ा करने के लिए ये जो लेवल्स को देखने के लिए आप इधर अगर इस लाइन पे अपना कर्सर लाओगे तो ये शो करेगा। सो इसको प्रेस करके आप ऊपर कर सकते हो, ये छोटा हो जाएगा, और बड़ा करने के लिए नीचे कर सकते हो। सो अभी सॉरी, मैं सिर्फ साउंड चाहता हूँ इसका, इस वीडियो नहीं चाहता, सिर्फ साउंड चाहता हूँ। तो सिर्फ साउंड को ड्रैग ऑडियो ओनली पे क्लिक करके इसको इधर मैं ड्रैग कर दूंगा। सो अभी ये देखें कि आप मेरा साउंड जो बैकग्राउंड साउंड है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए या तो मैं ऐसे इसको ड्रैग डाउन करके इसके लेवल्स को डाउन कर सकता हूँ, बट इधर से इतना परफेक्टली मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आपने साउंड को कम करना होता है तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो उसके लिए मैं जाता हूँ ऑडियो वर्क स्पेस में। जब ऑडियो वर्क स्पेस में मैं आता हूँ तो ये इस तरह की कुछ वर्क स्पेस शो होगी, और इसमें ये सारे लेवल्स शो हो रहे हैं। अभी देखें, ये 1 PM और 2 PM लगा हुआ है, क्योंकि ये लेवल नंबर, ये जो फर्स्ट और सेकंड लेयर है उन दोनों को मैंने म्यूट किया हुआ है। उसके बाद थर्ड, फोर, ये थर्ड है और ये फोर है, और उसके बाद ये फिफ्थ है जिसमें मैंने बैकग्राउंड म्यूज़िक डाला हुआ है। सो इसको मैं थोड़ा लेवल डाउन करूँगा। लोग करीब होते हैं ना, उनके साथ एक मसला होता है, और वो ये कि उन्हें पता होता है कि कौन से वक्त पे कौन सी बात करने से आपको झिकेगा और किस वक्त कौन सी जगह पर ज़र्ब लगाने से आपको। सो ये मुझे लगता है कि मेरी अब तक की ठीक एडिट हो गई है, बिल्कुल नॉर्मल एडिट है, क्योंकि मैं आपको बेसिक्स के बारे में बताना चाहता था, तो मैंने इसको इस तरह से रखा कि ये छोटा सा वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको पता चल जाए। उसके बाद मैं इसमें एक एडजस्टमेंट लेयर बनाऊंगा, और एडजस्टमेंट लेयर क्या होती है वो मैं आपको भी बताता हूँ। ये एडजस्टमेंट लेयर मैंने ऊपर ड्रैग कर लिया, ये लेयर 2 में आ गई है, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे कर लिया। एडजस्टमेंट लेयर ये होती है कि अगर आप सारी वीडियोस पे कोई एक इफेक्ट लगाना चाहते हो, या सारी ये जितनी टाइमलाइन होगी उसके ऊपर ऐसी एक लाइक ओपन करके, बड़ी करके, फुल जितनी वीडियोज हैं उनके ऊपर ला के उसके ऊपर अगर कोई इफेक्ट लगाते हो तो वो सारी नीचे जितनी भी वीडियोज होंगी उनके ऊपर शो होगा। सो बेसिकली हम सब लोग ये कलर जो होता है अपनी वीडियो का, कलर ग्रेडिंग करने के लिए ये यूज़ करते हैं। सो अभी मैं आपको कलर ग्रेडिंग करके दिखाऊंगा एंड यू विल सी। सो उसके लिए हमें कलर का वर्क स्पेस जो है उसमें जाना पड़ेगा। सो ये जब आप कलर वर्क स्पेस खोलते हो तो ये इस तरह से शो हो जाता है। मैं इसमें इतना ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि कलर ग्रेडिंग और उसकी सारी चीज़ों के लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, बट इसको एक लुक देने के लिए मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाऊंगा। ये बेसिक कोरेक्शन होती है जिसमें आप वाइट बैलेंस कर सकते हो। वाइट बैलेंस क्या होता है इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि वाइट बैलेंस होता क्या है। उसके बाद ये एक्सपोजर होता है, लाइक आप अपनी वीडियो का एक्सपोजर थोड़ा अप करना चाहते हो, यू गाइस कैन सी, और जितना आपको ठीक लगे कॉन्ट्रास्ट, ये सारी चीज़ें आई एम गुड विद दिस, बट आई विल डू, मैं इसको थोड़ी सी एक लुक दूंगा कलर व्हील्स में जाके। इसके जो शेडोज़ हैं, लाइक शेडोज़ मतलब डार्क होती हैं, जो जगहें डार्क हैं, लाइक ये जो ब्लैक शो हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें, इनको मैं ब्लू टिंट दूंगा। सो अगर आप देख सकते हैं, जब मैं इनको ब्लूइश टिंट दूंगा, तो ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, आई एम सॉरी, ये ब्लूइश टिंट मैंने इसको दे दिया इसके शेडोज़ को। उसके बाद मिड टोन्स, लाइक मिड टोन्स आपकी स्किन्स होती हैं जो ज़्यादा ना तो ब्राइट होती हैं ना ही डार्क होती हैं, सो स्किन्स वगैरह या ये जो एरियाज होते हैं ये मिड टोन्स में आते हैं। सो इनको मैं कलर दूंगा थोड़ा ब्राउनिश। सो अभी मैं इसको इसका बिफोर और आफ्टर आपको दिखाऊंगा। यू गाइस कैन सी, ये बिफोर था और ये आफ्टर हो गया। उसके बाद एक चीज़ मैं और करूँगा, मैं इसको फिल्म वाली जो लुक होती है वो देने के लिए इसके ऊपर और नीचे जो क्रॉप शेड्स होते हैं वो डालूंगा। वो करने के लिए मुझे बेसिकली इधर आना है, इधर आके मुझे इफेक्ट्स, और इफेक्ट्स में मुझे सर्च करना है क्रॉप। मैंने ये क्रॉप सर्च किया और क्रॉप को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया एडजस्टमेंट लेयर पे। अभी इधर से ये इफ़ेक्ट्स कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मैं सेकंड एपिसोड में हर एक चीज़ आपको इसकी बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं ये बना रहा हूँ। ये देखें, क्रॉप इधर शो हो रहा था, क्योंकि जो भी इफेक्ट आप किसी भी लेयर पे डालते हो वो इधर इफेक्ट्स कंट्रोल में शो होएगा और उसकी सारी सेटिंग्स इधर ही शो होएंगी। सो इसका टॉप जो है उसको मैं 10 करता हूँ, 10, 9, ओके 9 इज़ ओके, एंड बॉटम उसका वो भी मैं 9 कर दूँगा, 9। आप सिंपली इसमें डाल भी सकते हो 9। सो ये मैंने इस तरह की इसको लुक दे दी। सो देखें, दिस इज़ बिफ़ोर एंड दिस इज़ आफ्टर, इट लुक्स वे बेटर देन बिफ़ोर।
सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। अगली आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको काफ़ी एडवांस चीज़ें बताऊँगा। मैं इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं, एनिमेशन एंड ऑल दैट, उन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। जो टिकटॉक ट्रिक्स हैं वो कैसे किए जा सकते हैं, वीडियो को रेंडर कैसे किया जाता है और ये सब। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक्स अ लॉट।